बहुत डर लग रहा है प्लीज वापस मोड़ लो यार प्लीज टर्न ले लेते हैं ना बहुत लग हो गया। यार। तो लग रहा है। बस यार आगे नहीं जा कितना मस्त है यार चलो ना वापस वापिस किसी क्यों क्यों ने आके अटैक कर दिया गाड़ी पे तो यार्लीज हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल पेप आज हम आपको लाए हैं हॉन्टेड विलेज कहे जाने वाले कुलधरा गांव में जो कि जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पे है ये ऐसा कहा जाता है ये चौरासी गांव का जो समूह है कुलधरा के आसपास ये लगभग 200 साल से वीरान पड़ा है सो 19वीं सदी में ऐसा कहा जाता है कुछ कहानियां हैं इससे एसोसिएटेड जिनके चलते हजारों लोग इन चौरासी गांव के एक रात में पूरे गांव को वीरान छोड़कर चले गए थे आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उनको अचानक एक रात में जाना पड़ा और हजार लोगों को जाते हुए किसी ने नहीं देखा क्या थी वो कहानियाँ जो उस टाइम से एसोसिएटेड है और क्या हुआ था तो चलिए वो हम देखते हैं आप यहाँ वीडियो में मेरे सामने देख सकते हैं खंडर है इस टाइम पे और इसको आज की डेट में हॉन्टेड विलेज या घोस्ट विलेज कहा जाता है यहाँ पे काफी लोगों ने वैसे तो शाम को पांच बजे के बाद यहाँ आना अलाउड नहीं है बट कभी अगर कोई आया है तो उन्होंने खुद बोला है दैट यू नो इवनिंग होते होते दे फेल्ट समथिंग अनयूजल सम प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट इन दिस प्लेस इवन आज तक की टीम ने एक पैरानॉर्मल सर्वे भी किया था यहाँ जिसके अकॉर्डिंग दे ऑल्सो फाउंड सम अनयूजल नेगेटिव एनर्जी इन दिस प्लेस तो अब हम आपको 200-300 साल पीछे लेके चलते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जो पालीवाल ब्राह्मण्स को ये चौरासी गांव एक रात में खाली करने पड़े थे सो नाइनटीन सेंचुरी का दीवान हुआ करता था सलीम सिंह जो कि एक बहुत ही क्रूर कोल्ड ब्लडेड और बहुत ही अयाश टाइप का दीवान था जिससे जैसलमेर की पूरी जनता बहुत ही ज्यादा परेशान थी और ऐसा कहा जाता है कि उस दीवान का दिल कुलधरा गांव के ब्राह्मण की एक लड़की पे आ गया था और जिससे वो शादी करना चाहता था पर ब्राह्मण ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था जो कि दीवान को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और इसी गुस्से की वजह से कुलधरा गांव पे दीवान के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ गए थे और उसने गांव वालों को यह धमकी दी थी कि अगर उसकी शादी उस लड़की से नहीं हुई तो वो इस गांव में लोगों का रहना हराम कर देगा स्पेशली औरतों और लड़कियों का और इन्हीं सब अत्याचारों से परेशान होकर गांव वालों ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए दीवान को अपनी बेटी नहीं देंगे चाहे ये गांव ही क्यों ना छोड़ने पड़ जाए और इस तरह एक रात में कुल धरा के चौरासी गांव खाली हो गए लेकिन जाते जाते ऐसा कहा जाता है कि वो गांव को एक कर्ज एक श्राप दे के गए थे कि हम तो ये गांव छोड़ के जा रहे हैं बट हमारे बाद इन गाँव में कोई भी नहीं बस सकेगा और तब से आज का दिन है लगभग दो साल हो गए ये गांव आज भी वीरान पड़ा है खंडर की तरह खड़ा है यहां कोई नहीं रहता जहां तक नजर जा रही है आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ खंडर टूटी हुई दीवारें दिखेंगी वैसे तो कुल तरह से और भी बहुत कहानियां जुड़ी हुई हैं, जैसे कि भूकंप की वजह से सूखा पड़ने की वजह से कुओं में पानी सूख जाने की वजह से ये गांव खाली किया गया था बट जो सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी है वो दीवान सलीम सिंह की है आज के लिए बस इतना ही और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज हिट सब्सक्राइब बटन और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टे हैप्पी स्टे सेफ स्टे हेल्दी